सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने सी सेक्शन के बाद अपना अच्छे से ध्यान रख लिया तो आपकी जिंदगी न्यारी प्यारी और हसीन है। लेकिन अगर आपने कुछ गलतियां कर दी, जो मैंने भी खुद की थी, तो आपको उनको जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। मेरा खुद का भी सी सेक्शन हुआ है, मैं उन सब चीजों से गुजर के आ चुकी हूँ, तो मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये चीज शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, क्योंकि सब लोगों को पता है कि मेरा सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ था, तो बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि सी सेक्शन के बाद कब ट्रैवल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे ध्यान रख सकते हैं हम अपने सी सेक्शन का। गाइज, ये कुंज के बोलने की आवाज आ रही है, अभी वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, तो वो मेरे पास में ही, अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसकी आवाज आपको आती रहेगी। तो गाइज, सी सेक्शन के बाद कैसे आपको अपना ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। गाइज, आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे केयर आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी। वैसे तो मेरे सी सेक्शन को हुए अभी 7 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कभी कभी ना मुझे मेरे जो स्ट्रिचेस है कॉर्नर के साइड में, वहां पर कभी कभी खिंचाव सा फील होता है, हल्का हल्का सा पेन, चुभन सी फील होती है। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, उसको वहां पर लगा लेती हूँ। आपको भी अगर अभी कभी ऐसा फील हो, क्योंकि गाइज मेरे तो अभी 7 मंथ भी कंप्लीट हो गए हैं, तब भी मेरे को अभी भी कभी कभी हल्का कॉर्नर में साइड की तरफ में हल्का सा खिंचाव, खुजली सी ऐसा फील होता है, या नॉर्मली भी वैसे अगर मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि बहुत ही टाइट सा वहां पर हो रहा है, या मुझे इचिंग फील हो रही है, या खिंचाव सा लग रहा है साइड में, तो मैं हमेशा वहां पर वर्जिन कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपकी डिलीवरी भी मेरी तरह सी सेक्शन से हुई है, तो उसके बाद आपको पैंटी पहनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है, जो उसका कट लगता है, वो भी बिल्कुल लोअर वेस्ट पर ही लगता है, और जो हमारी पैंटी होती है, जो हम नॉर्मली पैंटी पहनते हैं, उसकी जो लाइन होती है, जो उसकी स्टेप आती है, वो बिल्कुल वहीं पर ही आती है। तो मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया कि यार इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ मैं, क्योंकि वहीं पर ही मेरे स्टिचेस लगे हुए थे, वहीं पर ही मेरी जो स्टेप थी वो आ रही थी, और वो ऐसे ऐसे रगड़ खाती है, तो इतना ज्यादा पेनफुल होता है वहाँ स्टिचेस पर, बहुत ज्यादा दर्द फील होता है। और मैं सोची थी यार मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में ही नहीं आया। लेकिन बाद में मुझे पता चला, मैंने थोड़ा नेट वगैरह पर सर्च किया, कि मेडल्टी पेंटीज आती है, वो स्पेशली फॉर आफ्टर डिलीवरी के बाद यूज होती है, तो वो स्पेशली उन लोगों के लिए ही बनी हुई है। उनकी क्या है, जो स्टेप आती है वो नेवल तक आती है। थैंक गॉड आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली और आपको मैंने बता दिया, क्योंकि मैं खुद इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं सोच रही थी यार, मतलब बहुत ज्यादा हॉरेबल था वो मेरे लिए टाइम। आपको पता है मेरी डिलीवरी को 7 मंथ हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो मेरा टमी से नीचे का, मतलब जो मेरी नेवल से नीचे का जो एरिया है, अब वहां पर अभी भी नमनेस है। मैंने स्पून लगा के देखी, मैं हाथ से टच करती हूँ, तो मुझे कुछ वहां पर फील नहीं होता है, ठंडा गर्म कुछ भी फील नहीं होता है। तो मतलब मैं 3 मंथ हो गए थे, जबकि बात है मेरे को लगा था 3 मंथ बाद मेरी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी फील नहीं होता वहां पर, आज तक भी मुझे कुछ भी फील नहीं होता है। तो मैं उसके बाद ना अपने डॉक्टर से मिलने गई थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर क्या हुआ, मतलब मेरा जो टमी का नीचे का एरिया है वहां पर अभी तक भी नमनेस है, मुझे वहां पर कुछ भी फील नहीं होता है, मैं हाथ लगाती हूँ बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होता है, मैं सही तो हो गई ना, मेरा पेट खराब तो नहीं हो गया अंदर से? क्योंकि आपका जो पेट कटता है, माँ बच्चे को जब सी सेक्शन में होता है तो उसका पेट काट के बच्चे को निकाला जाता है, और वो जो काटा जाता है वो कई सारी लेयर्स में काटा जाता है। एक बाहर की लेयर होती है, फिर अंदर की बहुत सारी लेयर होती है, अंदर तक काटा जाता है, तो अंदर भी आपके स्टिचेस लगे होते हैं, सिर्फ बाहर स्टिचेस नहीं लगे होते हैं, अंदर भी आपके 2-3 जगह पर, मतलब 2-3 लेयर्स में स्टिचेस लगे होते हैं, और वहां पर जो नसें होती हैं, जब आपका पेट काटते हैं, तो जो हमारी नसें होती हैं वो भी उस टाइम पर कट जाती हैं, और बाहर से तो आपको लगता है कि हमारे टाके भर गए हैं, रिकवर हो गए, लेकिन अंदर का जो है, अंदर को रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। आप मान के चलो कि 1 साल में आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर होती है। अंदर के जो स्टिचेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके भर गए हों, सही हो गए हों, तो अंदर का जो पेट कटता है तो बहुत सारी नसें भी हमारी कटती है, तो जरूरी होता है कि वो नसें फिर से जुड़ जाएंगी। डॉक्टर ने मुझे बोला नसों को जुड़ने में 6 मंथ्स का टाइम भी लग सकता है, या कभी भी नहीं जुड़ेंगी वो, मतलब आपको लाइफ टाइम नमनेस फील होगी। तो मैं तो अभी तक भी वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी, मतलब थोड़ी तो कम हुई है वैसे, पर अभी भी मुझे वहाँ पर नमनेस ही फील होती है। तो अगर आपको भी मेरे जैसी सेम प्रॉब्लम हुई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है,
ये नॉर्मल है, सबके साथ में ऐसा होता है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे टाके हैं वो अच्छे से ठीक हो गए हैं? क्योंकि बाहर से देखने में तो हमको लग रहा है कि हाँ वो सही हो गए हैं, लेकिन अंदर से सही हुए हैं, रिकवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, उस चीज़ का पता हमको कैसे लगेगा? तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके साथ में ये सब प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है आपके टाके रिकवर नहीं हुए हैं अभी तक भी। अगर आपको टाको वाली जगह में आज तक भी स्वेलिंग होती रहती है, या आपको इचीनेस फील होती है बहुत ज़्यादा, या वहाँ पर रेडनेस रहती है, तो अगर आपको भी ये सब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं अपने टाको वाली जगह पे, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, कोई भी लापरवाही ना करें। हाँ, हल्की कभी कभी इचिनेस तो मुझे भी फील हो जाती है जो साइड में कॉर्नर वाली जगह है वहां पर, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हल्की फुल्की आपको कभी कभी इचिनेस फील हो जाती है, वो होता है, टाके खींचते हैं तो वो हो जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप वहां पर वर्जिन कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, टाको को क्लीन कैसे रखें, हाइजीनिक कैसे रखें? तो जब आप नहाते हैं तो आप अपनी पूरी बॉडी पर साबुन लगा सकते हैं, लेकिन टाको पर कभी भी स्पेशली ऐसे करके साबुन नहीं लगाओ। आप बॉडी पे साबुन लगा रहे हो, आप नहा रहे हो, वो पानी के साथ बह जाएगा, लेकिन टाको वाली जो जगह है उस पे स्पेशली आपको साबुन को नहीं रगड़ना है, बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है। बस आपको नॉर्मल वाटर से आपको उसको धोना है, और उसके बाद भी आपको उसे रगड़ना नहीं है, बस आपको हल्का सा ऐसे क्लीन करना है। तो टॉवल से भी उस वाली जगह को ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, बस आपको पैट ड्राई करना है। पैट ड्राई क्या होता है, ऐसे ऐसे करके उसको ड्राई करना है। हमेशा उस जगह को ड्राई रखे, कभी भी गीला नहीं छोड़े, कभी भी उस जगह पर स्क्रब ना करे, कुछ रगड़े ना। और पैंटीज का भी मैं बता रही हूँ, आप मेडल्टीज पैंटी पहने जब तक वो अच्छे से रिकवर नहीं होती है। आप सोच रहे हैं कि आप उसी वाली पैंटी को थोड़ा ऊपर को करके पहन लें, तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर उस पैंटी को ऊपर करके भी पहनेंगे ना, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोची थी कि चलो मैं ना थोड़ा सा उसको ऊपर करके पहन लूंगी तो वो मेरे स्टिचेस पर नहीं रगड़ खाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर उसको ऊपर करके भी पहनेंगे तब भी वो उसी जगह खिसक ही जाएगी, इसलिए आप मेडल्टीज पैंटी ही पहने जब तक आपके जो टाके हैं वो अच्छे से रिकवर नहीं होते हैं। क्यों यार रिस्क लेना यार, पूरी जिंदगी का सवाल है। एक बार अगर उस टाइम पे आपकी कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है, कमी आ जाती है ना, तो वो लाइफ टाइम रहती है। इसलिए सी सेक्शन के बाद आप बहुत ज्यादा अपनी बॉडी का ध्यान रखें। 3 महीने तो रहता ही रहता है, वैसे तो 1 साल का रहता है। आप कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा भारी काम ना करें 1 साल भर तक, क्योंकि आपकी जो अंदर से बॉडी होती है ना, वो साल भर में जाके रिकवर होती है अच्छे से। इसलिए हमेशा आफ्टर डिलीवरी अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखने, अपनी डाइट का ध्यान रखे। वो कहते हैं ना, माँ का भी एक दूसरा जन्म होता है, तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बालों की प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, बॉडी अलग चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। दांत भी मैंने सुना है कुछ लोगों के कमज़ोर पड़ जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है डिलीवरी के बाद में। तो बिल्कुल भी इस टाइम पे कोई लापरवाही ना करे, सिर्फ 3 महीने या 1 साल की बात होती है, तो इसलिए अपना बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें। जब यार हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, तो क्यों अपनी बॉडी के साथ में रिस्क लेना है? आफ्टर डिलीवरी आपको कोई वजन नहीं उठाना है, आपके बेबी से ज्यादा वजन तो आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। आप अपने बेबी को उठा सकते हो, बेबी को कैरी कर सकते हो, लेकिन बेबी से ज्यादा भारी चीज आपको नहीं उठानी है। या बेबी आपने लिया हुआ है, साथ में आप कुछ और चीज उठाने की कोशिश कर रही है, तो बिल्कुल नहीं उठाना है। कंजना बहुत शैतान होता जा रहा है, मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उसको वहीं पर ही आना होता है, और अभी भी वो मेरे पास में बैठा है और खेल रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि अब तो वो थोड़ा थोड़ा बोलने की भी कोशिश करता है, तो उसकी आवाज आपको आती ही रहेगी पूरी वीडियो में। सी सेक्शन के तुरंत बाद अवॉइड करे सीढ़ियां चढ़ना, कुछ टाइम रिकवर होने दो, उसके बाद आप सीढ़ियां चढ़ सकते हो, लेकिन एकदम जस्ट बाद 1 वीक 2 वीक या मंथ तक तो बिल्कुल भी सीढ़ियां ना चढ़े, अवॉइड ही करें। अगर बहुत ही जरूरी है कि आपका घर ही फर्स्ट फ्लोर पर है, तो बहुत ही आराम आराम से आप चढ़े, बहुत की बिल्कुल भी आपके टाकों पर जोर ना पड़े। सी सेक्शन के बाद आपको स्विमिंग पूल अवॉइड करना है। 3 मंथ्स तक तो एटलीस्ट आपको बिल्कुल स्विमिंग पूल में तो बिल्कुल नहीं जाना है, या आप घर में भी बाथ टब में बैठ के घंटों घंटों उसमें नहा रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड करना है। सोच के भी मुझे डर लग रहा है, ये बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है आपके लिए। आपको मैं बता रही हूँ ना, अपनी बॉडी को बिल्कुल ड्राई रखना है। आप घंटों घंटों पानी के अंदर बैठे रहे तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है आपकी बॉडी के लिए। तो सी सेक्शन के बाद आपको 3 मंथ्स तक तो एटलीस्ट बिल्कुल स्विमिंग पूल या किसी बाथटब में बैठ के आपको नहीं नहाना है। अगर नहा भी रहे हैं तो बाथटब में आप तो एकदम से बाहर आ जाना है आपको, बिल्कुल भी उसमें
में नहीं रहना है या कहीं तालाब में स्विमिंग करने बिल्कुल भी नहीं जाना है, सोच के भी मुझे तो डर लग रहा है। सी सेक्शन के बाद आपको वजन नहीं उठाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो यू नो जिसमें मेहनत लग रही हो बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा आपको वजन उठाना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं उठाना है। एक्सरसाइज नहीं करनी है कोई भी भारी, आपको कोई डंबल्स वगैरह कुछ नहीं उठाने हैं, जिम नहीं जाना है। वैसे तो वजन तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नहीं उठाना है, वो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, लेकिन आपको डिलीवरी के बाद भी वजनदार चीजें नहीं उठानी है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि आपकी बॉडी को यू नो जोर पड़े। यार कुछ दिन के लिए नॉर्मल रह लो, थोड़ा बेबी के साथ में टाइम स्पेंड करो, सुपर वुमन बाद में बन लेना, थोड़ा सा कुछ टाइम तक रिलैक्स रहो, बेबी का ध्यान रखो। डायरेक्टली डीप बेंडिंग भी नहीं करनी है आपको, आराम से बैठना है, डीप बेंडिंग नहीं करनी है। बेबी के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करो, बेबी को टाइम दो, उसके साथ में टाइम स्पेंड करो, क्योंकि एक बार अगर उसका बचपन चला गया ना फिर आप पूरी लाइफ मिस करते रहेंगे। यही तो टाइम होता है जो वो छोटा होता है और क्यूट क्यूट सी हरकतें करता है, तो उसको सारा अपना टेंशन दो, उसको टाइम दो। डिलीवरी के बाद ना एकदम से काम स्टार्ट मत करो, रेस्ट करो यार, आराम करो। आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिकवर होने की ज़रूरत है, आपके अंदर से एक जान निकली है, आपने बहुत मेहनत कर ली है, तो अब आपको अच्छे से रेस्ट करना है, पूरा प्रॉपर अपनी बॉडी को टाइम देना है, अपने बच्चों को टाइम देना है। ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन पड़े रहना है, कुछ नहीं करना है, काम आपको करना है लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट करना है। एकदम से आपको सुपर वूमेन नहीं बन जाना है कि आपने एकदम से फिर सडनली काम स्टार्ट कर दिया, आपको धीरे धीरे शुरू करना है काम को, क्योंकि यार काम भी बहुत जरूरी है, काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। काम करना है, धीरे धीरे करना है, सभी चीजें आपको आराम आराम से करनी है, चलना भी धीरे धीरे है, बोलना भी धीरे धीरे है, एक्टिविटी कुछ भी आप कर रहे हैं तो सब चीजें आराम से कीजिए कि आपके टाकों पर जोर ना पड़े, आपकी बॉडी पर जोर ना पड़े। अगर आपको छींक भी आती है ना बहुत देर, तो क्या करें, एकदम से कुछ भी टाइट चीज पकड़ ले या जो तकिया होता है वो अपने पेट पर ऐसे करके पकड़ ले और तब जाके चीखे, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। आफ्टर डिलीवरी कॉन्स्टिपेशन मत होने देना। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारी आजकल मेडिसिन आती है, वैसे तो डॉक्टर ही आपकी अगर आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो आपको मेडिसिन दे देगी, लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा ना तो आपके टाकों पे बहुत ज्यादा यू नो जोर पड़ेगा, या फिर आप घरेलू नुस्खे भिजवा सकते हैं। बोलते हैं ना कि बच्चा होने के बाद आप जीरे का पानी, अजवाइन का पानी वो पीते रहे, गर्म पानी पिए, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिए, या अगर गर्म पानी नहीं पी पा रहे हैं तो गुनगुना पानी पिए और पानी खूब पिए। पहले जमाने से लोग बोलते आ रहे हैं कि डिलीवरी के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पेट में पानी भर जाता है या पेट फूल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी डॉक्टर भी बोलती है कि आपको डिलीवरी के बाद ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। यार पानी से ही तो दूध बनेगा, पानी से ही तो दूध बनता है, 80% हमारे दूध में क्या होता है, पानी तो होता है, तो अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका दूध कैसे बनेगा, तो इसलिए आप पानी पिए। मैंने जो गलतियां की है मतलब मैं वो आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अच्छी लो, बैलेंस डाइट लो, कुछ भी ज्यादा मत लो, कुछ भी कम मत लो, जंक फूड मत खाओ, तला भुना फ्राइड चीजें बिल्कुल मत खाओ, खाना आपको सब कुछ है, फ्रूट्स खाने हैं, सब्जी खानी है, दालें खानी है, सब आपको खाना है, लेकिन हर चीज लिमिट में खानी है। ऐसी चीजें मत खाओ जिनको डाइजेस्ट करने में आपके पेट को दिक्कत हो, कुछ भी हार्ड पाचन वाली चीजें बिल्कुल भी मत खाओ, जैसे छोले, चना, राजमा, ये सब चीजें जो होती हैं पचाने में बहुत ज्यादा हार्ड होती है। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना है, क्योंकि उससे आपके बच्चे की हेल्थ को भी नुकसान करेगा, वो आपका दूध पीता है बच्चा, तो आपको हर चीज अब अपने बच्चे को देख के खानी है कि हमारे बच्चे को हमारा दूध मिलना है तो हमें क्या क्या खाना है। अच्छी अच्छी चीजें खाओ, फ्रूट्स खाओ, दाल खाओ, पानी पियो, सब चीजें खाओ, बैलेंस करके खाओ, लेकिन या फिर दादी नानी जो हमें बना के देती है यू नो वो पंजरी, गोंद के लड्डू, च्यवनप्राश, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको खाओ, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। कोई भी चीज खानी है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खानी है, लिमिट में हर चीज खाओ, पानी पियो, खाना खाओ अच्छे से, टाइम से सब चीजें खाओ, घी भी खा सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर सी सेक्शन से आपकी डिलीवरी हुई है और आप ये टिप्स अपनाएंगे, ऐसे आप अपनी केयर करेंगे, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी रिकवर होगी। मैंने जो गलतियां की थी वो मैंने आप लोग के साथ में शेयर की, मैं उनसे जो सीखी वो मैं आप लोग के साथ में शेयर किया, ताकि जो मैंने गलती की है वो गलतियां आप ना करें। ये मेरा एक्सपीरियंस था, आप लोग के साथ में शेयर की, वो भी फ्री में।
कोई इसका चार्जेस नहीं है, फ्री में मैंने आपको ज्ञान बांटा है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। सभी लड़कियां इन फ्यूचर में शादी होगी, बच्चे होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी। आपको सीख मिली है, आप आगे इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे सीखे। यू नो, एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं होता है। जितना आप एक्सपीरियंस करके सीखते हैं ना, इतना आप कहीं नहीं सीख सकते हैं। तो मैंने सब चीजें एक्सपीरियंस की, मैंने गलतियां की, मैं उनसे सीखी, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन, बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।